नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। मैं उज्जवल सिन्हा, इस वक्त मैं रांची जिले के कांके प्रखंड अंतर्गत सुतियांबे गांव में आया हूं। प्राचीन समय में छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की राजधानी थी। प्रथम सदी के आसपास फणी मुकुट राय नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। सुतियांबे गांव के बगल में मुरहू पहाड़ स्थित है। यह पहाड़ी तथा आसपास का क्षेत्र नागवंशी राजाओं की राजधानी थी। भवन तथा किला के भगवानेश स्थल पर मौजूद है। प्राचीन समय सूर्य मंदिर का भी भग्नावशेष सुतियांबे गांव के उत्तर सड़क किनारे स्थित रांची से कांके एवं पिठौरिया होते हुए सुतियांबे सड़क मार्ग पहुंचा सकता है। राज्य की राजधानी रांची से 20 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर कभी 58 AD में नागवंशी राजा फणी मुकुट राय का शासन था। पुरातत्वविदों ने सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, शेरशाह की ईदगाह, राम मंदिर जैसे पुरानी संरचनाओं की खोज की है। सुतियांबे में मुरहू पहाड़ी पर नागवंशी राजवंश का किला और मुंडा जनजाति के पहले राजा महाराजा मत्रा मुंडा की गुफाएं। सुतियांबे पहाड़ी भारत के राज्य झारखंड के रांची जिले में कांके के पास स्थित एक पुरातत्व स्थल है। पूर्व में यह पहली शताब्दी ईस्वी में छोटा नागपुर के नागवंशी राजवंश की राजधानी थी। पहाड़ी पर नागवंशी राजवंश के किले के अवशेष हैं। सुतियांबे क्षेत्र में सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, नागवंशी राजवंश के किले की पुरानी संरचनाओं जैसे विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। मुंडा जनजाति के पहले राजा महाराजा मत्रा मुंडा की गुफाओं की भी खोज की गई है। एक गुफा जहां अंदर की चट्टानें शिवलिंग से मिलती जुलती है और स्थानीय ग्रामीण इन चट्टानों की पूजा करते हैं। पहाड़ियों में और भी रहस्यमय गुफाएं हैं। यह पहाड़ी न केवल प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों को पालती है, बल्कि यह पहाड़ियों की ग्रेनाइट नीस चट्टानों पर शानदार भूभर्गीय अपक्ष से भी आच्छादित है। यह भूवैज्ञानिक अपक्ष कुछ विशाल प्राचीन जानवरों के फिंगरप्रिंट पर या एक हिंदू पौराणिक सांप कोबरा या नाग की छतरी जैसी हुड संरचना से बहुत मिलता जुलता है। यहाँ तक कि पहाड़ी में बनी गुफाएं अपर दत्तनाथ विशेषों का एक अच्छा उदाहरण है। चित्र में पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी सी सीढ़ी नुमा संरचना भी दिखाई दे रही है, जिसमें पानी से भरा गड्ढा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजा मद्र मुंडा अपने दैनिक उपयोग के लिए मटके के पानी का उपयोग करते थे। गर्मी के चरम मौसम में भी यह छेद कभी नहीं सूखता। इस छिद्र को भरने वाले भूमिगत जल का स्रोत पहाड़ी से ही है।